धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंगी दाडन के प्रधान नसीमुद्दीन सहित कई गांव के प्रधान प्रधानाध्यापक की शिकायत को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धामपुर पहुंचे। प्रधानाचार्य पर लगाए गए गंभीर आरोप आपको बताते चले। धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नगली लाडन के ग्राम प्रधान नसीमुद्दीन ने अपने कई प्रधानों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने ही गांव में तैनात प्रधानाचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। नसीमुद्दीन ने कहा, प्रधानाध्यापक कहते हैं अपनी मनमानी। प्रधानाध्यापक सुशील कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा, जो चेक मिला है वो भी नहीं दे रहे हैं प्रधानाचार्य। वही इस संबंध में जब खंड शिक्षा अधिकारी नगेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य के बीच आपसी मतभेद चल रहा है। इसी को लेकर आज कई गांव के प्रधानों के साथ ग्राम प्रधान नसीमुद्दीन कार्यालय पर पहुंचे थे। प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान को आपस में बैठाकर मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। नाम है प्रधान जी आपका? नसीमुद्दीन। आज वैसे कार्यालय पर शिकायत करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है, मास्टर एक तो चेक नहीं दे रहे हैं, मिड डे मील हमें जो बटने वाला है वो मिला नहीं है और हमसे दो महीने से उसे बटवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो मिला है आज मास्टर है जो चेक नहीं दे रहा है। क्या नाम है? सुशील कुमार। कौन सी उसमें पंचायत में? ग्राम नगली लाड। क्या नाम है आपका? मैं नगेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी अलीपुर। सर, आज नंगली लाडन के ग्राम प्रधान अन्य प्रधानों के साथ कुछ शिकायतें लेकर आए थे आपके पास, क्या कुछ कहना है आपका इसमें? वो शिकायतें मेन रूप से मिड डे मील को लेके हैं और कुछ जानकारी ना होने के कारण भी कुछ भ्रांति है। उस सब के बारे में सभी प्रधान समूह जो मेरे पास आए हैं उनको बताया गया है और उनकी जो समस्या है वो कहीं ईगो प्रॉब्लम से मुझे लग रही है। हेडमास्टर और उनका आपसी सामंजस्य अच्छा नहीं है, दोनों लोगों को बैठा के वो कह रहे कोई सुशील कुमार है वहाँ जी हेडमास्टर साहब प्रधान अध्यापक और वो एक दूसरे वो कह रहे कि चेक नहीं दे रहे मुझे, वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। जो भी नियम सम्मत चीज़ें होंगी वो की जाएंगी और वहाँ खाने की गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश।